आपके गुजरात से कुछ लोग गए हैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके, और वो लोग मंदिर मस्जिद में इस देश की लड़ाई को, इस देश के नौजवानों को झोंक रहे हैं। जहां देखो वहां केवल विवाद, और नौजवानों को यह समझाया जा रहा है कि तुम्हारा राज आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हर जगह मस्जिद के नीचे खुदाई करो, मंदिर मिलेगा, और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा। और हम भी यहाँ संकल्प भूमि एक बात कहते हैं कि अगर खुदाई तो हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, लेकिन अगर खुदाई करवा रहे हो तो थोड़ा इतनी गहरी खुदवाना जब तक कोई बुद्धिस्ट अवशेष न मिल जाए, तब पता चलेगा ये देश किसका था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही थी, मुझे वो बात हॉन्ट करती है कि मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। अब क्या हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, मंच पर एक आयोजन करना मुश्किल हो जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की बात करने वाले लोग अगर इस मंच के आसपास आकर के अपने गुस्से को न रोक पाए तो माफ करिए, आप बुद्ध की बात नहीं कर रहे, आप उस विचार पर नहीं चल रहे। हम सब की नाक लंबी हो गई है, दिल छोटा हो गया है। हम सब अपने से आगे न किसी को शुद्ध अंबेडकर वादी खोजते तराजू लेकर। और मैं तो साहब ओबीसी समाज से आता हूं, मैं बहुत ज्यादा भाषण देने की बजाय मैंने पहले ही कह दिया, मुझसे ज्यादा सम्मानित लोग, मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग, और मेरी जितनी उम्र है उतना तो लोगों ने संघर्षों में लगा दिया, वो लोग मंच पर सामने बैठे उनके सामने मैं क्या बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमारे यहां तो पता ही नहीं था, और इस देश में जो जो साजिश की गई वो इस देश के ताकतवर बुद्धिजीवियों ने, देश चलाने वालों ने की, कि उन्होंने आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को मिटाने की सारी कोशिश कर डाली। और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता पढ़ाता हूं, वहीं से एक रेफरेंस लेकर एक बात केवल कर रहा हूं, उन्होंने सिलेबस में डॉक्टर अंबेडकर को नहीं रखा, उन्होंने लाइब्रेरी में डॉक्टर अंबेडकर की किताबें नहीं छपने दी, उन्होंने नहीं पढ़ने दिया कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, महात्मा फूले कौन थे, पेरियार कौन थे, और तमाम लोगों का विचार क्या था। उन्होंने कोशिश की थी कि डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद मिटा दिया जाए, लेकिन हम तो साहब वो लोग हैं जो जमीन में बुआई के बाद फसल लहलाए वो नहीं, हम तो वो बीज हैं जो यूं ही फेंक दिए गए थे लेकिन वो जमीन फोड़ कर बाहर आ गए और आज अपना हक इतिहास मांग रहे हैं। और इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मैं केवल और केवल हिम्मत लेने आया हूं कि जब उन्हें मिटाने की इतनी कोशिश हुई, वो रोए थे, और रोना बुरा नहीं है, वो रोना डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लिए नहीं रोया था, उन्होंने ये सोचा था कि जब मेरे साथ, मैंने इतना पढ़ा लिखा, मैंने विदेश से डिग्री ली और मैं इतनी बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर बैठ करके नौकरी कर रहा हूं, जब मेरे साथ इतना जातिवाद हो रहा है तो कल को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मजलूमों, किसानों और गरीब वंचितों, शोषितों के साथ कितना बड़ा जातिवाद होगा, यह सोचकर डॉक्टर अंबेडकर रोए थे। और तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा, और वो भारत उन्होंने बनाने की नींव तो 1950 में रच दी ना, भारत का संविधान लागू करके एक मौका दे दिया कि जाओ इस देश के लोगों, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, हमने तुम्हें हक और अधिकार दे दिया है, वो भारत का संविधान तुम्हारे लिए एक ऐसा हथियार है कि जब इस देश में कोई भी तुम्हारे हक हुकूक को छीनेगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, तो तुम लड़ने के लिए भारत का संविधान आगे उठा लेना। ये हिम्मत हमें डॉक्टर अंबेडकर ने उस संकल्प के बाद चुकाई थी। और मैं एक पक्ष उन्होंने, राजेंद्र पाल जी ने, भीमराव जी ने हमारे पहले रख दी कि उन्होंने एक संकल्प 1956 में लिया था कि मैं इसे प्रबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत बनाऊंगा। और मेरे लिए बौद्ध में भारत का अर्थ यह नहीं है, भिक्षु जी लोग बहुत सम्मानित लोग हैं मंच पर बैठे हुए हैं, बौद्ध धर्म का मतलब हमें जनता को यह समझाने की जरूरत है साहब कि हमें अपना चोला बदलने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो और आगे बढ़कर के त्याग और तपस्या कर रहे हैं, इस देश के सामान्य लोगों को बुद्ध को पहनने ओढ़ने की नहीं, अपने दिल में बसाने की जरूरत है, प्रज्ञाशील, करुणा, समानता और न्याय का विचार जो मानता है वो सब बुद्धिस्ट है। और मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है, मेरे लिए बुद्ध एक दर्शन का नाम है, और मैं चाहता हूं कि मैं उनके दर्शन और विचार को थोड़ा सा जी सकूं। और इसलिए मैं दूसरा पक्ष केवल रखकर अपनी बात विराम दूंगा कि दूसरी तरफ आज तो खुदाई हो रही है, गौतम साहब ने बोला कि जहां खुदाई करो वहां बुद्ध मिलते हैं, और कुछ लोग जो यही गुजरात से निकले हैं, मैं गुजरात देके पहली बार आया हूं और इसलिए कुछ और बात भी बोलूंगा, आपके गुजरात से कुछ लोग गए हैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके, और वो लोग मंदिर मस्जिद में इस देश की लड़ाई को, इस देश के नौजवानों को झोंक रहे हैं। जहां देखो
केवल विवाद और नौजवानों को यह समझाया जा रहा है कि तुम्हारा राज आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हर जगह मस्जिद के नीचे खुदाई करो मंदिर मिलेगा और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा। और हम भी यहाँ संकल्प भूमि एक बात कहते हैं कि अगर खुदाई तो हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, लेकिन अगर खुदाई करवा रहे हो तो थोड़ा इतनी गहरी खुदवाना जब तक कोई बुद्धिस्ट अवशेष न मिल जाए, तब पता चलेगा ये देश किसका था। और इसलिए वो जो दूसरा काम कर रहे हैं, वही अपील और वही गुजारिश आपसे करने आया हूं साथियों। हम सब जगे हुए लोग हैं, इसलिए आज यहाँ है। हम लोग अगर जागरूक लोग ना होते, बाबा साहब और बुद्धा को मानने वाले लोग ना होते, तो आज कहीं कांवड़ हो रहे होते, किसी धार्मिक कार्यक्रम में होते, लेकिन आज हम यहाँ हैं तो हम जागरूक हैं। और इसलिए मैं आखिरी बात कह के जा रहा हूं कि जो हमला हमारे ऊपर हो रहा है, बहुत बातें होंगी और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग भी केवल औपचारिकता निभाने के लिए यहां आए और कल से फिर हम लोग भी अपने काम में लग जाए। संकल्प अगर मुझे लेना होगा तो मैं क्या संकल्प लूंगा, मैं इस मौके का केवल एक इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो संकल्प ये होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो ख्वाब देखा था उसमें सबको शिक्षा मिले, ये सबसे पहले ख्वाब था। शिक्षा कौन सी? डिग्री वाली नहीं। उन्होंने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो वाली शिक्षा। और इसलिए मैं कह रहा हूं आज इस देश में शिक्षा को बर्बाद किया जा चुका है। और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने वाला एक विद्यार्थी, एक शिक्षक, आपके सामने आपके साथ एक संकल्प लेना चाहता हूं। कल्पना करिए अगर इस देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या हम बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे? जब उन्हें शिक्षा ही नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो कल को कोई भी उन्हें दंगाई बना लेगा। अगर हमारे मिशन मूवमेंट में शिक्षा को बचाने का सवाल नहीं शामिल है, रोजगार का सवाल नहीं शामिल है, और भारत के संविधान और मंडल कमीशन ओबीसी समाज के लोग, कल तक उनको कहा जाता था कि वो साढ़े कांवड़ हो रहे हैं, और जब मैंने इतिहास पढ़ा तो कहा नहीं साहब, 1948 में बैकवर्ड क्लासेस लीग का अधिवेशन लखनऊ में होता है और उसके अध्यक्षता करने के लिए पिछड़े समाज के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को लखनऊ बुलाया था, तब मैं देखता हूं कि हम तो पहले से ही एकजुट रहे हैं। बाबा साहब के गुरु तीसरे थे वो ज्योतिबा फूले, किसान कुनबी जाति के, शाहू जी महाराज ओबीसी जाति के। हमें दूसरा संकल्प ये लेना है कि हम इस देश के नौजवानों को, जब भारत 100 साल पूरा होगा, आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो हमसे लोग पूछेंगे कि आपके सामने भारत का संविधान भी लागू था, थोड़ी सरकारी शिक्षा थी, थोड़ी सरकारी जमीनें थी, थोड़ा भारत का संविधान और मंडल कमीशन भी लागू था। 25 साल बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे आंखों के सामने देखते देखते भारत का संविधान खत्म हो जाए और शिक्षा खत्म हो जाए, रोजगार खत्म हो जाए। इसलिए मैं यहां एक संकल्प लेना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार और तथागत बुद्ध तक की जो मेरी वैचारिक विरासत है, मैं उस विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। शिक्षा और रोजगार को, भारत के संविधान को बचाने के लिए जब तक सांस बाकी है, एकजुट होकर के जाति से जमात की तरफ वाला जो मिशन है उसको लेकर के 90% वंचित शोषित लोगों का भारत, जो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है इस देश के, दलित पिछड़े आदिवासी ही कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है और हमें ही इस देश से बाहर किया जा रहा है। आइए संकल्प लें कि हम सब अपने नाक को छोटी करेंगे, दिल को बड़ा करेंगे, जाति से जमात की तरफ बढ़ेंगे और 90% लोग एकजुट होकर के इस देश में भारत का संविधान, मंडल कमीशन और तथागत बुद्ध से लेकर के बाद तक की जो विरासत है, वैचारिक विरासत, उसको लागू करेंगे। वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब सब बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। मैं एक सवाल उनसे पूछूंगा कि मैं उस बर्बाद होने के सामने आंख में आंख डाल करके अपने समय के जालिमों से कह रहा था कि मैं बिरसा फूले अंबेडकर का वारिस, भारत का संविधान और मंडल कमीशन बचाने की लड़ाई में शामिल था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद प्रोफेसर लक्ष्मण।